ब्रेकफास्ट में बना रहे हैं मूंग का वड़ा, जो बहुत हेल्दी और टेस्टी होता है। इसके लिए हमने रात को 250 ग्राम मूंग भिगो के रख लिया था और सुबह पानी से छान कर इसको एकदम बारीक पीस लेंगे, पेस्ट बना के रख लेंगे इसका। इसमें पानी नहीं डाल के पीसेंगे, अगर ऐसे ही पीस जाएगा तो बहुत अच्छा है। लिया है एकदम ऐसे ही पेस्ट चाहिए इसके लिए। मूंग की दाल की बड़ा बनाने के लिए जो मूंग का दाल पीसते हैं तो उसमें पानी नहीं डालना चाहिए। उसको ऐसे ही पीस लेंगे तो बिना पानी के पीसने से ही वो अच्छा बड़ा बनता है। थोड़ा सा मीठा सोडा मिला लेंगे, थोड़ा सा एकदम एक चुटकी। और फिर इसको जितना फेंट सकती हैं उतना फेंटना है, क्योंकि ये फेंटने से ही सॉफ्ट और मुलायम कुरकुरा सा बनता है, फूलता भी है अच्छे से। कम से कम इसको 10 से 15 मिनट तक फेंटते रहिए, तब ये जाके बड़ा अच्छा बनता है। जब ये फेंट ले फिर इसमें इसको ढक के आधा घंटे के लिए कम से कम रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है। हमको मिर्ची चाहिए, धनिया चाहिए और कच्चा टमाटर या इमली। तो आज हम अपने छत पे मिर्ची लगाए हैं, हमने सोचा उसी को तोड़ ले। फ्रेश फ्रेश मिर्ची डालने से चटनी बहुत अच्छी बनती है। गर्मी बहुत हो रही है इसलिए मिर्च थोड़ा कम आ रहा है धूप से। ले चाहिए धनिया, टमाटर, हरी मिर्च और उसको ऊपर से डेकोरेशन करने के लिए थोड़ा सा मूली डालने से टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। बड़ा बच्चों को बहुत पसंद है, पहले हम लोग दिल्ली रहते थे तो बहुत हमारे बच्चे खाते थे। क्योंकि दिल्ली में बहुत फेमस बड़ा है दिल्ली का, उसको दिल्ली में राम लड्डू कहा जाता है।
जो हमने सब्जी धोया है ये धुला हुआ पानी हम अपने प्लांट में डाल देते हैं, इससे हमारी प्लांट बहुत हरा भरा और उसमें बहुत अच्छे अच्छे फल सब्जी सब आती है, फूल और बहुत अच्छा खिलता है। खाने के लिए धनिया, मिर्च, टमाटर, अगर कच्चा टमाटर है तो और अच्छा टेस्टी बनता है, अदरक, लहसुन, और हम इसमें पानी नहीं डालते हैं, इसमें हम थोड़ी दही डाल के पीसते हैं, फिर चटनी का स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है मूंग के बड़ा के साथ खाने के लिए। और नमक, नमक आप जितना खाते हैं उतना डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग तो थोड़ा चटपटा खाते हैं इसलिए थोड़ा नमक ज़्यादा डालते हैं। बन गई है, बिल्कुल ऐसे ही चटनी बनाना है। गरम करने के लिए डाल दिया है और जो बड़ा का पेस्ट बनाए उसमें हम नमक मिला लेते हैं। नमक पहले नहीं मिलाते हैं, जब बड़ा बनाने लगते हैं तब नमक मिलाते हैं। इसको हाथ से मिला के बनाने से सिर्फ फायदा होता है ये कि ये अच्छे से मिल जाता है और बड़ा गोल गोल बनता है हाथ से। जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें छोटा छोटा गोल गोल बड़ा डाल दीजिए। छोटी स्पून से पहले अच्छे से पलट लेते हैं। एक साइड से पहले अच्छे से पक जाए फिर दूसरे तरफ इसको लाटते हैं। मीडियम आंच पर बनाने से ये अंदर से अच्छी तरह से पक जाएगा और ऊपर से एकदम क्रिस्पी। बीच बीच में चलाते रहना चाहिए और चेक करते रहना चाहिए, अच्छे से उलाट पुलाट के चलाने से ये बड़ा अंदर से भी अच्छे से पक जाता है। और हम ये बड़ा जितनी देर तक पकता है धीरे धीरे उतना ही क्रिस्पी और टेस्टी लगता है। बड़ा हमारा बन गया है एकदम, अब इसको हम निकाल लेते हैं, टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे ताकि इसका सारा ऑयल इसमें आ जाएगा पेपर में, खाने में ऑयली नहीं लगे। गार्निश करने के लिए हमने पहले से मूली को धो के और कद्दूकस कर लिया था, मूली डाल के खाने से इसका स्वाद दुगना हो जाता है।